अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल कोड विद उस्मान। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। एचटीएमएल को हम कम्प्लीटली थॉरली पढ़ेंगे, ठीक है। एचटीएमएल है क्या एक्चुअली? बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये अक्सर इस पे मीम्स भी बनी होती है कि एचटीएमएल इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये सिर्फ वो लैंग्वेज है जो कि ब्राउजर को समझ आती है, ठीक है। वो CSS, HTML एंड JavaScript को समझता है सिर्फ, बाकी जो पाइथन एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस वो उनको नहीं समझ सकता। ये इसीलिए ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज। जो ट्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव द एबिलिटी टू डिस्क्राइब लॉजिक, एचटीएमएल हाउएवर इज यूज्ड टू डिस्प्ले एंड फॉर्मेट पेजेस ऑफ, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वेब पेजेस। तो इसमें क्या आ जाते हैं? टैग्स आ जाते हैं, सिंटैक्स, जो आपने बाकी सारा डॉक टाइप एचटीएमएल के हेडिंग वन, हेडिंग टू, उनको आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। वो भी उसमें, इसमें मैं कुछ कुछ बता दूंगा, लेकिन ऐसा वो चीजें भी आपने पढ़ी हुई हैं। फिर इसमें आ जाते हैं टैग्स। पहले टैग्स के सिंटैक्स को देख लेते हैं, ठीक है। होता क्या है? HTML मार्क्स अप द कंटेंट विद HTML टैग्स। ओके, HTML टैग्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल वेब पेजेस। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऑल वेब पेजेस जो भी हैं, अगर मैं कोड रन कर रहा हूँ ना, ये HTML का व्यू है मेरे पास, और HTML में क्या है कि उसने बताया हुआ है कि ये हेडिंग वन है, ठीक है, ये हेडिंग, ये टेक्स्ट टाइप है, एंड इसमें क्या आ जाता है कि ये हेडिंग, इसमें हेडिंग टू आ जाती है, एंड हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर, हेडिंग फाइव एंड हेडिंग सिक्स, ठीक है। हेडिंग सिक्स जो सबसे स्मॉल हेडिंग है उसको हेडिंग सिक्स कहेंगे, ठीक है। ये जो हेडिंग वन है वो सबसे मतलब के लार्ज होती है, ये हेडिंग टू है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आ जाता है कि टैग का नेम, उसमें कंटेंट हमने कर दिया, एंड टैग क्लोजिंग टैग, ठीक है, मतलब के हेड एंड उसमें हमने कंटेंट लिखा अपना, लिख दिया उस्मान के आस, कोड विद उस्मान। फिर मैंने उस टैग को बंद कर दिया। और कुछ जो होते हैं सेल्फ क्लोजिंग, सम टैग्स आर सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है, विच मींस दे डू नॉट रिक्वायर ए क्लोजिंग टैग। ओके, ठीक है, इस तरह का उनका होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। फिर उसमें कंटेंट लिख देते हैं एंड ऑटोमेटिकली उनको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। हम देखते हैं अब टैग नेम्स के साथ जो क्लोजिंग टैग को हम रीड करेंगे, हेड एंड बॉडी को नीचे जाके, ठीक है। अच्छा, फिर एच टी एम एल टैग, इसमें डॉक टाइप, ये देखो इसका क्या सिंटैक्स होता है कि डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। एंड इसमें क्या आ जाता है, फिर मैंने एक कोड लिखा सिंपल क्रिप्टो करेंसी का, जो के वराइटीज ऑफ, जिसमें एच टी एम एल टैग है, ठीक है, वराइटीज ऑफ एच टी एम एल टैग है, मतलब हेड, ये टैग, इसका क्लोजिंग टैग कहाँ गया, दिस इज, ये हेड टैग, ये क्लोजिंग टैग, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या लिख दिया कि UTF, ये 18, ये है, और ASCII, मतलब आप लोगों को इन चीज़ का आइडिया होगा एक्चुअली, लेकिन ये हमारा HTML का है तो हम इसको मिस करा देते हैं। ये आप समझिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये है टाइटल, मैंने दे दिया इसके अंदर, टाइटल क्या है, क्रिप्टो करेंसी होगा। एंड इस कोड को मैं रन करके, कॉपी करके ना, मैं इसको आपको दिखाई देता हूँ व्यूज, शायद कॉपी करता हूँ एंड नोट पैड में इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। नोट पैड में जाते हैं और जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। आप भी ऐसे पेस्ट कर सकते हो इसको, एंड कंट्रोल शिफ्ट एस करके आप इसको कर लीजिएगा जिधर भी डॉक्यूमेंट, क्रिप्टो, ठीक है, .html। अब इसको सेव करना, ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डायरेक्ट डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स में गए एंड डाउनलोड्स में जाके हमने इसको ओपन कर लिया, डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। एंड नोट पैड पे ये हो गया मेरा क्रिप्टो करेंसी का कोड। अच्छा, इसमें क्या आ गया, हेडिंग, हेडिंग्स आ गई, ये टेक्स्ट आ गया। अब इसको मैं साथ साथ समझाना मेरे लिए ईजी रहेगा आपको, ठीक है। ये क्या आ गया, हेडिंग्स आ गई, ठीक है, हेडिंग्स, एंड दिस इज टेक्स्ट इंक्लूडेड कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है, ये हेड का क्लोजिंग टैग हो गया। फिर बॉडी आ गई, बॉडी में क्या आ जाता है, ठीक है, बॉडी में हमने क्या लिखा है, चीज़ें, ये बॉडी, ऑल कोड एल्स जो है वो बॉडी में आ जाते हैं। एंड मैंने फिर उसमें हेडिंग वन दी है, ठीक है, हेडिंग वन में मैंने क्या लिखा है, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने लिख दिया। ये देखो, ये मैंने हेड बता दिया, ठीक है, बॉडी में मैंने क्या किया, अच्छा ये हेड है ना, ठीक है, ये देखो हेडिंग क्या है ना, इधर क्या आ रहा है,
क्रिप्टो करेंसी ऊपर ये हेड पे आएगा। क्रिप्टो करेंसी जो भी मेरा मैंने ओपन किया हुआ ना HTML और उस्मान गियास, ये हेडिंग में शो हो जाएगा, ठीक है। और जो H1 टैग था वो ये है, ठीक है। H1 टैग है, ये बॉडी आ गई सारी की सारी, जो हेड है वो इसके ऊपर ब्राउजर के ऊपर आपके जो भी लिखा होता है ना वो हेड टैग में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसकी ये कोडिंग टाइप UTF है और SCI होती है, ठीक है। और इसके बाद H1 एंड H2 टैग्स, एंड देन टेबल में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, टेबल में लिख दी हैं, ठीक है। ये टेबल का जो कोड हो गया THTR, एंड ये आप लोगों ने ये मुझे ना कमेंट में लाजमी बताना है कि TR क्या होता है, TH क्या होता है, ठीक है, TD क्या होता है, इन चीज़ों को आप सर्च करें और मुझे बताइएगा क्या होता है। इसका मैंने व्यू आपको दिखा दिया, ठीक है। ये एक टेबल की जरूरत बनाता है, तो लेकिन ये इसको थारोली एक दफा चेक करना है, फिर मुझे बताना है कि इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। देन मैंने एक टेबल बनाया, ये पैराग्राफ का टैग मैंने लगाया, एंड देन हमने बना दिया, ठीक है, दिस वन। अच्छा, तो अब मूव आप इसको चेक कर सकते हो, इसमें डिफरेंट टैग्स यूज किए गए हैं, जैसा कि पी टैग्स है पैराग्राफ के लिए, हमने ये तो HTML का कोड है ना, हेड टैग यूज किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, बॉडी टैग यूज किया है, एंड देन THTD एंड TD और TR टैग्स को, इनके ये ओपनिंग टैग एंड देन क्लोजिंग टैग भी है, और इनको टैग्स को रीड आउट किया, ठीक है। उसके बाद अब हम मूव हुए हैं हेड और बॉडी को थॉरली पढ़ने के लिए। फर्दर मोर वैलिड HTML डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्स द हेड एंड बॉडी, ठीक है, ये रिक्वायर होते हैं। उसके बाद द हेड टैग कंटेन्स मेटा डाटा सच एज द पेज टाइटल, पेज टाइटल। अच्छा, मेरे पेज टाइटल क्या है, HTML और उस्मान गियास, ठीक है, HTML उस्मान गियास, ये हो गया हेड टैग। अच्छा, लिंक्स टू CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स, ठीक है, इसमें कौन कौन सी तीन चीजें इंक्लूड होगी, एक तो पेज का टाइटल हो गया, फिर जो लिंक्स होते हैं ना। अच्छा, अगर मैं कोई ऐड लगाता हूँ ना तो वो हेड टैग में लगा रहा होता हूँ, ठीक है। मैंने कोई ऐड लगानी होती है, उसका कोड मैंने JS का जो कोड पुट करना होता है वो हेड टैग में पुट कर रहा होता हूँ। एंड उसके बाद आ जाते हैं CSS फाइल का जो मैंने लिंक, क्योंकि हमने देखा था कि एक इनलाइन CSS होती है लेकिन एक दूसरी होती है जिसमें हम फाइल बना के उसमें सेव कर लेते हैं, एंड देन CSS में स्टाइल शीट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उसका लिंक जो होता है वो हमें हेड में प्रोवाइड करना पड़ता है। अच्छा, कीवर्ड्स डेट आर यूज्ड बाय सर्च इंजन्स लाइक गूगल, ठीक है, मेटा डेटा इज नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। अच्छा, इसको छोड़ें। द बॉडी टैग ऑन द अदर हैंड कंटेन्स द एक्चुअल मार्कअप, लाइक मार्कअप में क्या क्या आ जाता है, पैराग्राफ टैग्स आ गए, इमेजेस आ गए, टेबल्स आ गए, ठीक है, एंड ए लॉट मोर। ये आ गया HTML, आपने ये हेड देख लिया, ठीक है, दिस इज हेड हो गया, इसका कंटेंट में कंटेंट होगा, हेड पेज में जो भी लिखा होगा, एंड देन बॉडी, ठीक है। फिर HTML टैग को हमने क्लोज कर दिया। डॉक टाइप को हम देख लेते हैं कि हमने जो डॉक टाइप, अच्छा मैंने कलरिंग भी की होती है काफी। अब मैं दोबारा इंशाल्लाह नोट्स को इम्प्रूव करता जाऊंगा और उनमें कलरिंग भी कर दिया करूंगा ताकि डिफरेंशिएट रहे। हमने ये टॉपिक पढ़ा हूँ ना हेड का, तो हेड का कलर आ जाए, ठीक है, बॉडी का है तो बॉडी का कलर हो जाए, ठीक है। अच्छा, डॉक टैग डिक्लेरेशन इज नॉट एन HTML टैग, ये एक HTML टैग नहीं है, बस ये आपने याद रखनी कि जो डॉक टाइप है वो HTML टैग नहीं है। इट इज एन इंस्ट्रक्शन टू द वेब ब्राउजर अबाउट द वर्जन ऑफ द HTML, ठीक है, वो वर्जन बताता है HTML का, दैट द पेज इज रिटन इन, ओके, HTML5 जिस तरह हम देख रहे थे, बूटस्ट्रैप होता है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट ES6 होता है, इस तरह के वर्जन, ठीक है, वो बता रहा होता है उसको HTML के, ठीक है। देयर आर सेवरल डिफरेंट वर्जन ऑफ HTML ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, ओके। अच्छा, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड अ डॉक टाइप डिक्लेरेशन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। अच्छा, अगर आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना कि मैं डॉक्यूमेंट को रीड करवा दिया करूँ ज्यादा बेहतर है, या कि आपको प्रैक्टिस करवा दिया करूँ जिस तरह की, इस तरह कोड है ना उस वहां से समझा दिया करूँ ज्यादा बेहतर रहेगा, आप लोगों ने लाजमी बता देना, ठीक है। मुझे लगता है कि जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया उनमें मैंने एवरीथिंग लिखी हुई है, जो भी मैंने जरूरत की चीजें वो सब की सब लिखी होती है। अगर मैं उन्हीं चीजों को रिपीट करवा दूं, जब आप लोग दोबारा इसको रीड करोगे तो आप लोगों को कंप्लीट समझ लग जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं दोबारा जब नोट्स आप रीड करोगे ना, अगर इनको कंप्लीट कर लोगे ना इंशाल्लाह, तो आपका फ्रंट एंड बेस्ट हो जाएगा, और जब दोबारा डॉक्यूमेंट्स को आके रीड करोगे ना आप, तो आपको हर चीज समझ आनी शुरू हो जाएगी। वैसे आपको पता ही नहीं लगेगा H1 होता है क्या, मैं बता रहा हूँ ये टैग होते हैं H1 हेडिंग के, हेडिंग टैग 1 है जो, ठीक है, ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ये पैराग्राफ हो गया उसमें पैराग्राफ टैग आ जाएगी, ठीक है, ये बॉडी का क्लोजिंग टैग आ गया, इस तरह मैंने एक्सप्लेन कर देनी होती है ना हर चीज,
तो आप लोग इजीली समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। अच्छा, एचटीएमएल में कमेंट्स किस तरह हो जाती है? कमेंट करने का तरीका क्या है? हमने कोई भी कमेंट लिखना है ना, अगर कमेंट होते क्या है, कमेंट वो चीज़ होती है ताकि वो कोड रीडेबल हो जाए। कोड रीडेबिलिटी, अब कोई भी डेवलपर है मेरी तरह, अगर मेरे पास, मैंने किसी एक इंसान का कोड देख रहा हूँ तो मुझे क्या पता है उसने कोड क्या लिखा है, लेकिन जब उसने कमेंट्स दिए होते हैं ना, कमेंट्स ये कंपाइल नहीं होते, ठीक है, ये इनको हम जब भी कंपाइल करते कर रहे होते हैं ना, इनको इग्नोर कर देता है जो कंपाइलर होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये डेवलपर जो है उसके लिए होते हैं, बहुत लाजमी होते हैं कि ये एक्चुअली, मैंने एक H1 टैग लिखा है तो मैंने कोड में क्या किया था, मैंने लिख देना कि ये एक H1 का टैग है, ठीक है, फिर उसके अंदर मैंने लिख देना कि HTML कमेंट्स, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, टैग एट्रीब्यूट्स, ऑल HTML टैग्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, ओके, व्हिच प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ सर्टेन एलिमेंट। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड इन द ओपनिंग टैग ऑफ एन एलिमेंट एंड एग्जिस्ट एज की और वैल्यू पेयर्स, ओके, एट्रीब्यूट्स आ गए, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, मैंने इधर दे दिया टैग नेम, ठीक है, और एट्रीब्यूट दे दिया इस तरह का, मैंने कुछ इधर लिख देता हूँ सबमिट, एंड देन मैंने सबमिट लिख दिया, और मैंने एक बटन बनाना था जिस तरह के फॉर्म पोस्ट के लिए, तो मैं उस वहाँ एट्रीब्यूट्स यूज कर सकता हूँ, ठीक है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, सबमिट का बटन है तो वो किस तरह का, उसमें सबमिट टाइप उसकी सबमिट होगी, एंड देन क्योंकि वो सबमिट, जब भी वो सबमिट करेगा ना, कभी कभी मुझे यकीन नहीं हो रहा होता कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को भी समझ आएगी, क्योंकि ऐसा सच आप लोग मेरे सामने तो बैठे नहीं होते। अच्छा, जब भी ये सबमिट का मैंने बटन क्लिक करूंगा ना, ये सब कुछ मैंने फिल किया है, उसके बाद सबमिट का मैं बटन क्लिक करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला जो फॉर्म है मुझे ईमेल आ जाएगी, ठीक है, एंड आपको रीडायरेक्ट हो कि एक पेज विजिबल हो जाएगा इसी के ऊपर, ठीक है। एक तो आप, ये हो गया एट्रीब्यूट का। अच्छा, कॉमन टैग्स जो हो गए उनको देख लेना, H1, H2, H3, H4 हो गए टैग्स, ये पैराग्राफ टैग्स हो गए, और ये मैंने क्या किया, मैंने लिंक, अच्छा मैंने क्यों लिखा है ये, कमेंट लिख दिया मैंने ताकि समझ लग जाए यूजर को कि ये एक लिंक है, ठीक है, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी में ये क्या था, एक लिंक था। जब भी इस पे आता हूँ, ठीक है, तो मुझे वो एक आर्टिकल की तरफ ले जाएगा जो कि मैंने किसी और वेब पेज पे लगाया होगा। अच्छा, नेटवर्क में लिंक्स के जरिए ही वेब्स कनेक्टेड होती हैं, ओके, ये मैंने रेफरेंस दे दिया, एंड देन मैंने कोड विद उस्मान लिख दिया। जब मैं कोड विद, इसका क्या होगा, अगर इस कोड को मैं कॉपी करके पेस्ट करूँ ना, तो क्या होगा कि कोड विद उस्मान आएगा, जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे courses.usmanclass.com पे ले जाएगा, मतलब वो इस मुझे इस चीज पे ले आएगा, ठीक है, ये मुझे इंटरफेस दिखा देगा जो कि ये वाला। आज इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा पेशेंट वॉइस चाहिए, मैंने इंटरफेस दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, फिर मैंने बता दिया कि यूएल, ठीक है, उसमें आपने इन टैग्स को देख लेना, लाजमी देख लेना, ये टैग्स बहुत सिंपल है, ऐसा एच टी एम एल इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप तकरीबन एक दिन में कर सकते हो कंप्लीट। और मैंने ये इमेज, एक इमेज ली है, उसका मैंने सोर्स बता दिया कि ये वाला सोर्स है जो पढ़ा होगा, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, उसमें हम CSS पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।